अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, मैं हूँ अबुज़र ज़ाहिद, अवाम टाइम्स में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हैदराबाद में पुलिस और मीडिया की जानिब से ड्रग्स के खिलाफ एक रैली निकाली गई। कल यानी 10 फरवरी को हैदराबाद फलकनुमा पुलिस और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 50 से भी ज़्यादा नुमाइंदे इस रैली में हिस्सा लिया। फलकनुमा पुलिस स्टाफ के साथ SHO फलकनुमा और DA भी इस रैली में शिरकत की। इस मौके पर SHO फलकनुमा R देवेंद्र ने कहा कि ड्रग्स से नौजवानों को बचना और बचाना चाहिए। ड्रग्स की लानत से ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है और इसकी बुराई से इंफरादी तौर पर ही नहीं बल्कि और उस माशरे को भी बदनामी का सामना करना पड़ता है। ड्रग्स से सेहत पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। आज फलकनामा पुलिस फोर्स एंड मीडिया मित्रों से आज एक अपना अच्छा प्लान करे थे, ड्रग्स फ्री रहना, ड्रग्स हटाओ, हडवा सिटी की बचाओ। वही से आपने क्या बोलते, ड्रग्स बहुत डेंजर है, एक बार एडिक्ट हो गए तो अपन क्या काम कर रहे हैं अपने को नहीं मालूम होता। माँ बाप को बहुत परेशान है, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए तो अपने को एरिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करने को नहीं आता, कुछ दूसरा लोग भी नहीं आता। क्यों बोलते, वो एरिया पूरा ड्रग्स एरिया बोल के रेडी बोल के बोलते ना, ऐसा हो जाता। वही वास्तु आज अपने अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं मीडिया वाला पुलिस वाला मिल के। वही वास्तु मैं हर एक आदमी को गुजारिश कर रहा हूँ, अपना एरिया ड्रग्स फ्री रहना, वही से मेरा गुजारिश। थैंक यू। ड्रग्स के खिलाफ नारे लगाते हुए रैली फातिमा नगर टावर से यलमपल्ली मंदिर तक पहुंची। रैली के अख्तिताम पर पुलिस अहलकार और मीडिया नुमाइंदों ने ड्रग्स के खिलाफ अहद भी लिया। हमारे बच्चों को